बात कर रहे हैं ONGC की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो स्टॉक में हमको ऑलमोस्ट 1% तक का अपसाइड देखने के लिए मिला है। हमने इससे पहले 300 के लेवल को ब्रेकआउट के हो सकता है ब्रेकआउट करके आगे के टारगेट दिखा सकता है ऐसा डिस्कस किया था, और 300 के ब्रेकआउट के बाद 304 और 310 के लेवल को टारगेट के तौर पर डिस्कस किया था। और भी आगे के टारगेट हमने डिस्कस किए थे, लेकिन 310 तक के जो टारगेट थे हमारे, दो टारगेट जो थे, जो दो लेवल थे, वो हमको हिट करता स्टॉक नज़र आ रहा है। 312 तक का ऑलमोस्ट स्टॉक ने जम दिखाया, वहाँ से छोटी मोटी गिरावट के साथ स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है। यहाँ से स्टॉक का खेल जो है पूरी तरह पलट चुका है, अपने मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर चुका है जो कि 300 का है मेजर रेजिस्टेंस, और ऊपर की ओर अब सस्टेन होता नज़र आ रहा है। अब अगर स्टॉक रिजेक्शन के साथ गिरावट दिखाता है, यहाँ एक सेलिंग आती है तो इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। ये जो इसका हाई है 305 का लेवल ब्रेकडाउन कर जाता है तो जिस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया है देख सकते हैं, जहाँ से रिजेक्शन लिया था गिरावट के साथ अगेन स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। 300 का लेवल 304 के ब्रेकडाउन किया था, और 290 का सपोर्ट एक आखिरी सपोर्ट रहेगा जब तक इसके ऊपर है ONGC में अपसाइड के चांस बने हुए 288-290 का लेवल। अब स्टॉक यहाँ से रिकवरी दिखा रहा है, लगातार तेज़ी दिखाता नज़र आ रहा है, तो यहाँ से और अप ट्रेंड देखने के लिए मिल सकता है। अब इमीडिएट टारगेट 312 का रहेगा, 312 ब्रेकआउट कर गया तो 320 जो कि इसका रेजिस्टेंस है, लेकिन इसको भी ब्रेकआउट करता नज़र आ सकता है। इसके ब्रेकआउट के बाद 340 तक के टारगेट ONGC में हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।